नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं A1 इंडिया। भारी हंगामे के बाद फिल्म पद्मावत आखिर रिलीज हो ही गई। आपको बता दें कि राजपूत समुदाय में करणी सेना के विरोध के बाद सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म में 5 बदलाव करने के निर्देश दिए गए थे। इस बदलाव के बाद ही दर्शकों को फिल्म उपलब्ध हो सकी है, जिसमें एक बदलाव फिल्म के नाम को पद्मावती से बदलकर पद्मावत कराया गया है। वही कंप्यूटर की सहायता से रानी की लाज को बचाने का काम भी किया गया है। हालांकि भारी हंगामे के बाद रिलीज हुई इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसर बोर्ड ने पद्मावत में 5 बड़े मॉडिफिकेशन करने की बात की है, जिनमें से सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन किया जाएगा पद्मावत के दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज घूमर सॉन्ग में। दरअसल राजपूत समाज की महिलाओं ने पद्मावत में घूमर सॉन्ग को लेकर भी खूब विरोध किया था। उनका कहना था कि इतिहास के मुताबिक महारानियां कभी किसी के सामने नहीं नाचती थी। उनका कहना था कि पद्मावत में दीपिका जिस तरह के कपड़े पहनकर घूमर डांस कर रही हैं, वो राजपूतों की गलत इमेज को दिखाता है। एक राजपूत रानी लोगों के सामने कभी नहीं नाचती थी और न ही इस तरह से एक्सपोज करती थी। और अब फिल्म के मेकर्स कंप्यूटर्स की मदद से पद्मावती की लाज बचाने में लगे हैं। दरअसल जिन हिस्सों में दीपिका की कमर उनके घाघरे से दिख रही है, उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए छिपाया जाएगा। द क्विंट के मुताबिक सेंसर बोर्ड के सामने जब फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, तब गाने में ये चेंजेस करने की बात की गई। सोर्सेज के मुताबिक सेंसर बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने फिल्म के प्रोड्यूसर से घूमर सॉन्ग में मौजूद उन सभी शॉट्स को हटाने की मांग की थी जिनमें दीपिका की कमर दिख रही थी। हालांकि इस तरह की एडिटिंग से गाने की कोरियोग्राफी बिगड़ जाएगी, इसलिए डायरेक्टर ने दीपिका की कमर को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए छिपाने की राय दी। आपको बता दें कि पद्मावत के मेकर्स ने जरूरी चेंजेस करते हुए फिल्म के फाइनल फॉर्मेट को सेंसर बोर्ड को सौंप दिया है। हालांकि इसे अभी बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। पहले कहा जा रहा था कि फिल्म में 300 कट लगाने की बात सेंसर बोर्ड ने कही है, लेकिन इस खबर का खंडन खुद प्रसून जोशी ने कर दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जब ऑडियंस थिएटर्स में पद्मावत देखने जाएगी, तो उनके सामने घूमर सॉन्ग का दूसरा ही वर्जन पेश होगा।